हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। आज मैं आपको एक और फॉक्सवैगन पोलो की बिल्ड क्वालिटी को प्रूफ करती हुई वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये एक्सीडेंट जो है वो वेस्टर्न पेरिफेरल सुपर एक्सप्रेसवे पर होता है, जहाँ पर मिस्टर शेख रिफान अपनी कार को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो वीडियो है 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर इन्होंने एक्सीडेंट से पहले ड्राइव कर रहे थे और इनका जो बेटा है वो उसको शूट कर रहा था। बट इनका ये कहना है कि जो एक्सीडेंट है वो 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर नहीं हुआ है। ये अपनी कार को राइट लेन में ड्राइव कर रहे थे और इनके आगे जो एसक्रॉस कार चल रही थी लेफ्ट लेन में, वो राइट लेन में एकदम टर्न करती है और उसके बाद ये एक्सीडेंट हो जाता है। इनका कहना है कि ये जो स्पीड थी उस टाइम वो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड में थी, बट एक्सीडेंट को देखकर ये साफ होता है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आर की नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही स्पीड थी। बट यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जाती है कि अगर स्पीड ज़्यादा भी थी तो कार को जो नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है इम्पैक्ट, क्योंकि जो एसक्रॉस है, इनका ये कहना है कि जो एसक्रॉस है वो पूरी पीछे से डैमेज हो गई थी। यहाँ पर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि कार का बोनट, बम्पर, हेडलाइट्स दोनों और जो लेफ्ट फेंडर है, जो इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है वो लेफ्ट फेंडर पर ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर जो इसके एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉय नहीं हुए हैं, क्योंकि जो स्पीड थी इनके हिसाब से वो 40 किलोमीटर पर आर थी और जिस वजह से जो एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉय नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि इन्होंने इस कार को इस कंडीशन में 1200 किलोमीटर तक ड्राइव किया है आफ्टर एक्सीडेंट। तो इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ जाता है फॉक्सवैगन पोलो के बिल्ड क्वालिटी के लिए। इन्होंने कुछ माइनर चीज़ें सिर्फ करवाई थी, जैसे अपने बोनट को इन्होंने ऊपर से वायर से बंधवाया था और जो फेंडर लाइनिंग होती है उसको थोड़ा सा टचअप कराया था। उसके बाद इन्होंने 1200 किलोमीटर इस कार को ड्राइव किया है। सो गाइज, यहाँ पर एक थम्स अप जरूर जाता है इसके बिल्ड क्वालिटी के लिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इन इमेजेस को देखने के बाद कि कार की स्पीड कितनी होगी। क्या इनके हिसाब से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड ही थी या फिर ये सच में 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर ही ड्राइव कर रहे थे। और अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियोस या फुटेज है या फोटोज़ हैं कार एक्सीडेंट्स की और आपको उसके बारे में इन डिटेल कुछ डिस्क्रिप्शन पता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगा। इस बात के लिए हम थम्स अप करते हैं फॉक्सवैगन पोलो को, क्योंकि ये सेफ़ कार मानी जाती है। आज ही मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो भी शेयर की थी जिसके अंदर फॉक्सवैगन पोलो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सुपीरियर वहाँ पर कंफर्म हो जाती है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।